हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल तरीका दिखाऊंगी डोरमेट का, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर विड्थ की अलग अलग फैब्रिक की पट्टियाँ ली है और इसको इस तरीके से आपको एक के ऊपर रख के स्टिच करना है और आपको पट्टा बनाना है। देखिए गाइस, इस तरीके से सारी पट्टियाँ ज्वाइन करके आपको एक बड़ा सा पट्टा बनाना है। बेस फैब्रिक के लिए मैंने यहाँ पे पैंट पीस का कटिंग लिया है। इसका आपको साइज स्क्रीन पे मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। जो हमने पट्टा बनाया है लॉन्ग साइज का, उसको आपको इस तरीके से मिडल में रख के स्टिच करना है। दोनों साइड से स्टिच होने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का एक पट्टी लेना है और आपको इस तरीके से स्टिच करना है। ऐसे आपको दोनों साइड में स्टिच करना है। एक पट्टी सिलाने के बाद आपको दूसरी पट्टी लेना है और आपको वापस उसके साइड में स्टिच करना है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट कलर की फैब्रिक की पट्टी लेना है। सारे पट्टियाँ सिलाने के बाद आपको पूरे चौरस में एक बार स्टिच करना है। अभी हमें 5 सेंटीमीटर का पट्टी लेना है और इसे बैक साइड में स्टिच करना है। स्टिच होने के बाद आपको फ्रंट साइड में इस तरीके से फोल्ड करके आपको पाइपिंग करना है। ऐसे आपको चारों साइड में पाइपिंग करना है। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा डोरमेट है वो रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल तरीका है और अच्छा और अट्रैक्टिव दिख रहा है। देखिए गाइस, इसको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। आपके पास जो बचे कुचे फैब्रिक है उसमें से ही आप बना सकते हैं। आई होप आपका आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।